सौंपा गया समर्थन पत्र नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन पत्र सौंपा है। आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और ये बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया, तो आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सरकार गठन पर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, तो देखिए समर्थन पत्र अपना सौंप दिया गया है। एनडीए की बैठक हुई, एनडीए के तमाम घटक दल दिल्ली पहुंचे, उनके शीर्ष नेता, बैठक चली और बैठक के साथ ही अब देखिए समर्थन पत्र अपना सौंप दिया गया है। यानी कि एनडीए के साथ है जो तमाम घटक दल है एनडीए के, वो पूरी तरह से एनडीए के साथ है। और अब देखिए अपना समर्थन पत्र सौंपने के बाद एक ऐतिहासिक पल अब फिर से होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अब नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियों पर पूरा फोकस रहने वाला है। तो नई सरकार के गठन को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह अपना इस्तीफा सौंप दिया था और उसी के साथ जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक पीएम नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करेंगे। और जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद होगा शपथ ग्रहण। तस्वीरें अब आपके सामने हम लगातार देखिए सुबह से दिखा रहे थे, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है एनडीए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है और आज सरकार बनाने का दावा एनडीए की ओर से पेश किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उधर दूसरी तरफ INDIA की भी बैठक आज होने जा रही है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया, ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बैठक में तमाम जो घटक दल थे एनडीए के वो शामिल थे, शीर्ष नेतृत्व यहां पर शामिल था। और इसके बाद अब क्योंकि समर्थन पत्र सौंप दिया है तो अगली कसरत अब शुरू हो जाएगी, अगली जो प्रक्रिया है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए क्या कुछ इस बैठक में रहा है, ये यहां पर जाना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बैठक में ही नए सरकार के गठन की जो रूपरेखा है वो तय की गई है। कुछ मांगे हैं जो रखी गई है। बात अगर करें हम इस समय एनडीए के घटक दलों में खासतौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, तो कुछ मांगे उनके ओर से उनके दलों की तरफ से रखी गई है। अब ऐसे में उन मांगों पर क्या रुख रहा है बीजेपी का, ये भी देखने वाली बात है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एनडीए की बैठक हो चुकी है खत्म और इसी के साथ ये भी आपको जानकारी दे दे, आज ही दावा भी पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अमित के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं अमित क्या कुछ रहा इस बैठक में खास। देखिए एनडीए की बैठक तकरीबन 4 बजे के आसपास शुरू हुई थी जो तकरीबन 5:30 बजे के आसपास खत्म हो गई। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक 2.5 से 3 घंटे के आसपास चलेगी लेकिन 1.5 घंटे के आसपास में बैठक खत्म हुई। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार और नायडू द्वारा जो अपना समर्थन पत्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया है। साथ ही तमाम जो और भी दल इस बैठक में शामिल थे उन तमाम दलों के द्वारा भी प्रधानमंत्री को एनडीए की इस जीत की बधाई दी गई है। अगली रणनीति को लेकर यहां पर मंथन किया गया है। अब इस बैठक के बाद जो अगली प्रक्रिया होगी उसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के पास जाकर दावा पेश करेंगे और एक मीटिंग जो एनडीए की है वो 7 तारीख को होना प्रस्तावित की गई है। 7 तारीख में होने वाली मीटिंग में अपने दल के नेता को चुना जाएगा, यानी प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव दिया जाएगा और उसके बाद से शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो होगा। अभी तक की जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक एनडीए की जो मीटिंग चल रही थी उसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई। जिस तरीके से सुबह से सुखबुगाहट थी कि मंत्रालय को लेकर जेडीयू की बात करें, टीडीपी की बात करें, चिराग पासवान या तमाम जो घटक दल हैं अभी उन मंत्रालय को लेकर किसी तरीके की बहुत ज्यादा बातचीत इस मीटिंग में नहीं हुई है। केवल आश्वासन सभी लोगों को दिया गया और उस आश्वासन के बाद समर्थन पत्र यहां पर सौंप दिया गया। तो माना जा रहा है 7 तारीख में जो होने वाली मीटिंग है उस बीच में मुलाकात और फोन पर बातचीत के सिलसिले लगातार जारी रहेंगे और हर एक दल को जो भी एनडीए में शामिल है उसको संतुष्ट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ
तरफ से जरूर की जाएगी, और जिस तरीके की उम्मीद लेकर तमाम दल यहां पर पहुंचे उन उम्मीदों को देखते हैं अब किस तरीके से जो बीजेपी है वो किस तरीके से उस पर खरा उतरती है और तमाम दलों को किस तरीके से साथ में बांध कर रखा जा सकता है, क्योंकि इस बार बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे बीजेपी यहां पर रहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से तमाम पार्टियों को साधा जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन भी लगातार दावा कई नेताओं के द्वारा किया गया है कि वो सरकार बनाएंगे, तो इंडिया गठबंधन की भी जो मीटिंग है वो अब से कुछ ही देर बाद यानी 6 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी और वो मीटिंग भी 7:30 या 8 बजे तक चल सकती है। तो उधर से भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि मीटिंग पूरी होने के बाद में तमाम जो शामिल होने वाले दल हैं इस मीटिंग में उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी जाएगी और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने का दावा पेश करेगा वो भी तकरीबन 8 बजे के आसपास तक स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल की बड़ी खबर यही है जिस चीज पर पूरे देश की नजरें लगी हुई थी, एनडीए की जो मीटिंग थी वो अब संपन्न हो चुकी है और मीटिंग के बाद से पीएम आवास से तमाम जो दल हैं वो अपने अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल देखना यह भी होगा कि रात भर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में रुकते हैं या अन्य जो दल हैं, चिराग पासवान भी यहां पर पहुंचे हुए। चिराग पासवान की तरफ से भी मंत्रालय मांगने की बात की जा रही थी, 5 सांसद उनके जीत कर आए हैं, तो चिराग पासवान की तरफ से किस तरीके की डिमांड